नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका। आज हम बात करेंगे डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरी की, और हम बात करेंगे कि क्या टारगेट होने वाले हैं। और आइए देखते हैं पूरा वीडियो। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछले 1 महीने में डॉक्टर रेड्डी लगभग 4350 से 5150 के आसपास पहुंच गया है, और आज भारी बढ़त देखने को मिली है। लगभग 200 रुपये के आसपास 3.5% इसमें बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो इस बढ़त का मुख्य कारण आपको पता है कि डॉक्टर रेड्डी को स्पुतनिक वी का कॉन्ट्रैक्ट मिला है, जो कि रशियन बेस्ड दवाई है। तो हाल ही में एक न्यूज़ आई है कि डॉक्टर रेड्डी स्पुतनिक वी को भारत में $10 पर डोज के हिसाब से जून के फर्स्ट वीक में लॉन्च करने वाले हैं, और ये उन्होंने आशा जताई कि जून के फर्स्ट वीक में वो भारत में इसको लॉन्च कर देंगे। और इसके साथ ही इंडियन ड्रग रेगुलेटर है, उसने अप्रूवल कर दिया है। रशिया की जो स्पुतनिक वी दवाई है उसको अप्रूवल मिल गया है। तो डॉक्टर रेड्डी अब इसको इम्पोर्ट करेंगे और भारत में ला के बेचेंगे, और इसका अप्रूवल उन्हें इंडियन ड्रग रेगुलेटर से भी मिल गया। तो ये भी एक बड़ी खबर आई है इसके पक्ष में। उसके अलावा आज MD GV प्रसाद ने कहा है कि डॉक्टर रेड्डी लेबोरेटरीज एक्सेप्टिंग टू रोल आउट द स्पुतनिक वी COVID-19 वैक्सीन बाई मई एंड अर्ली जून। जैसा कि आपको बताया कि जून के फर्स्ट वीक या मई के एंड में वो इसको भारत में लॉन्च कर देंगे। और इस खबर के बाद जो एक्सपेक्टिंग टारगेट है वो 5200 और 5500 रहने वाले हैं डॉक्टर रेड्डी के। तो आप इसके लिए तैयार रहिए, ये बहुत ही अच्छा साबित बढ़त देने वाला है आने वाले समय में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।